सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं रुचि रावत अपने नए ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। कल हमें नैनीताल से देर हो गई थी, तो हम अपनी जेठानी के मायके आए थे और आज हम घर जाएंगे और आप लोगों को दिखाऊंगे कि यहाँ का एरिया कैसा है। ये है यहाँ का एरिया। जेठानी और के खेत हैं और ये इनका घर है और वो मेरी जेठानी की मम्मी है। और ये है इनका मायका। आप जामुन तोड़ने जा रखे हैं। चादर तो पकड़ो, कुछ वो पल्ली पुल्ली है। ये तो कह रही दीदी कल की ये बल वो है तोड़ने का नया तरीका। ये हमने जामुन तोड़ दिए हैं। अभी हम यहाँ पे तैयार होके बैठ रखे हैं। खिड़की खोल दो, खिड़की। प्रणाम तो कर पहले, प्रणाम। ये पापा नानी को प्यार हो रहा। प्रणाम कर नानी को, प्रणाम कर। ये इधर भी, इधर भी, उधर मामी भी जो है, मामी मामी उधर, वो दादी की तरह दिख रहे हैं। ये दीदी रहते हैं तो उनके घर आ रखे उन्हें मिलने। ये रहा इनका घर। रामनगर से निकल गए हैं। रामनगर के आने के बाद यहाँ बारिश बहुत शुरू हो गई थी। से आने के बाद मैं भाई के साथ खेत में आ रखी हूँ और आज आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे रोपाई की तैयारी हो रही है और कल से हमारी रोपाई होगी। करके आने के बाद मैं खेत में आई थी भाई के साथ। आजकल मेरा भाई आ रखा है यहाँ पे और भाई को मैं लाई थी खेत, खेत दिखाने के लिए, क्योंकि भाई ने खेत नहीं देख रखा है हमारा है। वहाँ पे मेरे ससुर जी और दीदी और मेरा भाई बैठ रखे हैं। हाँ, हमारी रोपाई की तैयारी शुरू हो गई है और यहाँ पे हमने पानी छोड़ रखा है, यहाँ पानी छोड़ रखा है। अब आगे हमारा खेत तैयार हो रहा। अभी आपको दिखाऊंगी कि रोपाई के लिए खेत तैयार कैसे करते हैं। ये बीच में हमने डॉल बना दी और इधर ये गन्ने में भी पानी है। ये हो गया हमारा खेत रोपाई के लिए तैयार।
हैं? हाँ अब बताओ इस पर रोपाई कब से होगी? एक महीने बाद।